जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका भागा पंजाब नेशनल बैंक स्कैम का आरोपी मेहुल चौकसी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मेहुल चौकसी की डोमिनिका पहुंचने को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहले फर्जी पहचान को लेकर खुलासा हुआ और अब मेहुल चौकसी के डोमिनिका पहुंचने की तारीख को लेकर नई बात सामने आई है। इंडिया टुडे के हाथ ऐसे कागजात लगे हैं जो ये साबित करते हैं कि मेहुल चौकसी 23 मई को ही एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंच गया था, जबकि अब तक 25 मई की बात कही जा रही थी। चीन में शी जिनपिंग सरकार ने शादीशुदा जोड़ों को अब 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि पोलित ब्यूरो की हाल ही में हुई बैठक में 3 बच्चों की पॉलिसी पर फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे थे। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में 5 साल में ही बदलाव कर दिया है। चीन ने फैसला तब किया है जब उसकी जनसंख्या वृद्धि दर 1950 के बाद सबसे धीमी रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार की आलोचना करने की वजह से जियो न्यूज के लिए काम करने वाले पत्रकार हामिद मीर को उनके लोकप्रिय टॉक शो की एंकरिंग करने से रोक दिया गया। पिछले दिनों में हामिद मीर एक दूसरे पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रैली का नेतृत्व भी किया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान सरकार और सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। भारत में विदेशों से MBBS की डिग्री लेकर आए भारतीय डॉक्टरों को कोरोना काल में अपनी चिकित्सा सेवा देने की इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी आज सुनवाई होगी। अब वियतनाम में नए कोरोना वेरिएंट के मिलने से हड़कंप है। इस नए कोरोना वेरिएंट के तेजी से हवा में फैलने का दावा किया जा रहा है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट का मिलाजुला स्वरूप है। वहीं थाईलैंड में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की रफ्तार हुई बेकाबू। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कर रही है बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। अब तक सामने आ चुके हैं 1,60,000 के करीब मामले।